तर्जुमान आपकी पहचान। नाज़रीन करा, इस वक्त हम लोग दरगाह मैदान में है, यानी गोला पोखर से थोड़ी दूर में दरगाह मैदान जो बालासोर का मशहूर मैदान में मौजूद है। और यहाँ पे ABDS यानी अखिल भारतीय दुखी समाज की जानिब से हुजूर छोटे सरकार यानी उर्फ मामा जान के यौम पैदाइश के मौके पर एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का अहतमाम किया गया है। ये ब्लड डोनेशन कैंप गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी किया गया और ज़बरदस्त जो है यूनिट हासिल होने का जो है उम्मीद रखा जा रहा है। इस बार जो है मतलब जितना ज़बरदस्त जो है यूनिट हासिल होने का जो अंदेशा को लेते हुए बालासोर ब्लड बैंक और कटक ब्लड बैंक दोनों ने इसमें आकर खून जो है हासिल करने का जो है अभियान चला रखा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरा कैंप जो है मतलब खचाखच मतलब कोरोना के मद्देनज़र तमाम चीज़ को मानते हुए जो है एहतमाम किया जा रहा है। आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो है कोरोना को टेस्ट के लिए जो है जिस तरह मतलब थर्मल चेक होता है, थर्मल चेक करके अंदर एंट्री किया जा रहा है, बाकायदा तौर पर थर्मल चेक किया जा रहा है, सैनिटाइजर किया जा रहा है, उसके बाद में अंदर में लोगों को एंट्री किया जा रहा है। इस वक्त बालासोर के जो साबिक MP और BJD के ज़िला सदर रविंद्र कुमार जेना इस वक्त आए हुए हैं, वे नौजवानों के हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे हैं और जो खासकर जो डोनर हैं उनकी हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे। कह रहा है तुम्हारा दीवाना, कह रहा है तुम्हारा दीवाना, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे मामा। कह रहा है तुम्हारा दीवाना, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे मामा। खानका आज हमको है जाना, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे मामा। खानका आज हमको है जाना, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे मामा। हर गली में करे हम रसोई, आज भूखा न रह जाए कोई। हर गली में करे हम, जिस तरह जो है आप देख रहे थे कि हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं बालासोर के साबिक MP और BJD के ज़िला सदर RK जेना साहब हमारे साथ हैं। यहाँ आए हैं डोनर की हौसला अफजाई करने के लिए। उनको सीधा पूछते हैं कि किस तरह इस जो है ब्लड डोनेशन कैंप को देख रहे हैं, नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे, इस किस तरह जो है फील कर रहे हैं, कौन क्या कहेंगे सर, मतलब आप यहाँ आए हैं क्या? आज जो एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप है ऑर्गेनाइज किया गया है और छठा सरकार का बर्थडे है और जो अपना दुखी समाज है ऑल इंडिया दुखी समाज उन्होंने अरेंज किया है। काफ़ी सारे नौजवान बुजुर्गों ये सब मिला हुआ है और मैंने जितना ब्लड डोनेशन कैंप अटेंड किया सारा उड़ीसा स्टेट में, मेरे को लगा कि ये सबसे अच्छा ब्लड डोनेशन कैंप है। खाली साइज में बड़ा नहीं है, ये दिल से सब लोग लगा हुआ है, सबसे अच्छा मेरे को ही लगा। और ये एक श्री नवीन पटनायक जी का भी एक बहुत बड़ा योगदान है ब्लड डोनेशन कैंप को आगे बढ़ाने के लिए। उड़ीसा में हमारा माइनॉरिटी कम्युनिटी का सब भाई बहन लोग मिलके इतना बड़ा आयोजन किया, मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा सबको कि इतना बड़ा पुण्य काम किया है और विशेष रूप से युवाओं बहुमात्रा में जुड़ा हुआ है ब्लड डोनेशन कैंप का साथ। पूरा और डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है, हॉस्पिटल है, चारों तरफ सफाई का काम भी हाथ में लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग। सर, आज छोटे सरकार कहा जाता है कि जिस तरह मामा जान के नाम से मशहूर है, छोटे सरकार के आज जन्मदिन है और उन्होंने मोहब्बत फैलाने के लिए उड़ीसा की सरजमीन को चुना था। भद्रक आए थे और भद्रक नहीं सिर्फ बल्कि पूरे उड़ीसा में उन्होंने मोहब्बत फैलाया, आज उसी के तहत ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है, तो आप खासकर नौजवानों को क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ से सीखिया लेना जरूरी है। जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप भद्रक से चालू किए थे
आज बालेश्वर में है और इतना बड़ा रूप से कर रहा है। ये जो दिल का बात बोल रहा है, मोहब्बत का बात बोल रहा है, सब नौजवान को वहाँ से सीखा लेना चाहिए। दिल और मोहब्बत से दुनिया जीता जा सकता है। कह रहा है तुम्हारा दीवाना, कह रहा है तुम्हारा दीवाना, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे मामा। कह रहा है तुम्हारा दीवाना, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे मामा। खानका आज हमको है जाना, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे मामा। खानका आज हमको है जाना, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे मामा। हमारे साथ बालेश्वर के कलेक्टर के सुदर्शन चक्रवर्ती जी हैं, उनसे पूछेंगे। सर, सर आप यहाँ आए हैं, ब्लड डोनेशन कैंप आयोजन किया गया, सर कितना खुशी महसूस है, क्या कहेंगे नौजवानों को, क्या कहना चाहेंगे? यार आज जो दरगाह मैदान में जो अपना ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है अखिल भारतीय दुखी समाज तरफ से, एक बहुत अच्छा स्टेप है मैं तो बोलूँगा, क्योंकि ब्लड डोनेशन इज लाइक लाइफ सेविंग है। तो मैं सभी लोग से अनुरोध करूँगा कि मैक्सिमम लोग आना चाहिए एंड ब्लड डोनेट के लिए। हाँ, एंड आज जो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर्स भी है, बहुत बढ़िया ढंग से ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे अपना बालेश्वर ब्लड बैंक से भी स्टाफ है एंड कटक ब्लड बैंक से भी स्टाफ है, एंड कोविड के नियम को पालन करके, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेके पूरा एंड टू एंड बहुत बढ़िया इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। इसके लिए मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को मैं मेरे तरफ से धन्यवाद जाना। सर यंग मास्क को क्या मैसेज देंगे आज? ये यंग मास्क को यही कहूँगा कि मैक्सिमम लोग आइए ब्लड डोनेशन के लिए। हाँ एंड मैक्सिमम लोग आना चाहिए फॉर ब्लड डोनेशन। हाँ थैंक यू। कह रहा है तुम्हारा दीवाना, कह रहा है तुम्हारा दीवाना, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे मामा। कह रहा है तुम्हारा दीवाना, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे मामा। खानका आज हमको है जाना, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे मामा। खानका आज हमको है जाना, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे मामा। हर गली में करे हम रसोई, आज भूखा न रह जाए कोई। हर गली में करे हम नजर। इस वक्त हमारे साथ सदर विधायक जो है स्वरूप कुमार दास यानी टुकना भाई हैं, हम उनसे पूछेंगे कि किस तरह जो है ब्लड डोनेशन कैंप में आए हैं, किस तरह देख रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरह आप फील किए आने के बाद, क्या कहेंगे? देखिए मैं सबसे पहले जो मामा जान उनका जन्मदिन है, मैं पहले उनको बधाई देता हूँ, और सभी कार्यकर्ता हैं जो भारतीय दुखी संघ के कार्यकर्ता हैं उनको सबको मैं साधुवाद जनाता हूँ, उनको सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा काम ले हाथ में लिए हैं ब्लड डोनेशन। आप सब जानते हैं कि ब्लड डोनेट करना बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, और सफाई का अभियान भी सवेरे हुआ था, और मैं सभी मेंबर्स को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि ऐसे अच्छा काम कीजिए, समाज के कल्याण में आता है, ब्लड बहुत ही ज़रूरत है हॉस्पिटल में। आप जानते हैं कि आजकल कोरोना के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है, और इसको आप लोग इतने अच्छे काम कर रहे हैं, मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे के लिए ऐसा अच्छा काम करेंगे, सबको धन्यवाद भी देता हूँ, और ऐसा अच्छा काम करना चाहिए। सर जो सुबह अभियान मैंने सफाई अभियान नौजवानों ने किया था, आप क्या कहेंगे? देखिए जितने भी नौजवान हैं उनको मैं यही करना चाहता हूँ, जो पैगाम आपका आया है समाज के लिए, जो सफाई का काम है, ये सफाई एक माध्यम है, लेकिन भाईचारा ब्रदरहुड ये पैगाम है, तो ये पैगाम को आप आगे लेके जाइए, इसी से रिश्ता बनता है, इसी से ही समाज चलता है। बहुत खूब, हमारे साथ सदर एमएलए थे, उन्होंने कहा कि मोहब्बत को बनाए रखिए, इसी से समाज चलता है, इसी से देश जो है आगे।